20 मई को बुंदेलखंड में वोट पड़ने हैं। ये वो इलाका है जो सूखे की मार भी झेलता रहा है और पीने के पानी का संकट भी। अब इस साल जलवायु परिवर्तन का असर है कि गर्मी और बढ़ रही है, पानी के स्रोत सूख रहे हैं। ऐसे में जल संकट एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। देखिए झांसी के दो गांव से हिमांशु शेखर की ग्राउंड रिपोर्ट। झांसी के अमरपुर गांव का ये कुआं इस्तेमाल के लायक नहीं बचा है। पानी नहीं रहा तो खर पतवार उगाए, अब कुआं झाड़ियों से घिरा है। इस कुएं को हमने 7 साल पहले भी देखा था, तब ये कुआं खोदा जा रहा था। 60 फुट खुदाई के बावजूद पानी नहीं निकला था। मेरे साथ तब NDTV के पत्रकार विनोद गौतम थे। ये कुआं बताता है कि 7 साल में बुंदेलखंड की प्यास का क्या हाल हुआ। 7 साल पहले झांसी जिले के इस अमरपुर गांव में मैं अपने सहयोगी विनोद गौतम के साथ यहां पहुंचा था। उस वक्त एक बड़ा कुआं जो है वो यहां पर खोदा जा रहा था, बिल्कुल इसी जगह पर 7 साल पहले। और गुलाब उस वक्त यहां पर कुएं की खुदाई करवा रहे थे। ये आपकी खेत है? हाँ जी, आपकी खेत है। आपको याद है NDTV की टीम आई थी आपके पास? हाँ, उस वक्त कितना आपने, उस वक्त कितनी खुदाई हुई थी? उस वक्त तो बहुत खुदाई करी थी, 20 फुट करी थी। ये तो काफी गहरा है। हाँ? उस वक्त भी काफी आप खुदाई कर चुके थे? तब से तो बहुत ज्यादा होगा, खुदाई काफी हो चुकी है। हाँ? 70 फीट तक हो चुकी खुदाई यहाँ पे। 70 फुट ना हो। और ये बेतवा नदी है, बुंदेलखंड की सबसे बड़ी नदी, लेकिन सूख रही है, गर्मी की मार है। जलवायु परिवर्तन ने हालात यहाँ और बिगाड़े हैं। बुंदेलखंड का इलाका देश के सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाता है और यहाँ पर विशेष तौर पर गर्मी के सीजन के दौरान पानी का जो संकट है उससे किसानों को और आम लोगों को जूझना पड़ता है। बुंदेलखंड वो इलाका है जहाँ गर्मियों में औसतन तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। झांसी जिले में कुल 837 गांव हैं, ज्यादातर जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं। झांसी की 60% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और यहाँ 68% क्षेत्र में खेती मानसून पर निर्भर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश अनियमित हो गई है, सूखा बढ़ा है और खेती मुश्किल होती जा रही है। बुंदेलखंड में 20 मई को हो रहे मतदान में आम लोगों के लिए ये बड़ा मुद्दा है। सामान्यतः बुंदेलखंड में वर्षा के 52 दिन होते थे, जबकि पिछले 6 वर्षों में ये अवधि सिर्फ औसतन 24 दिन तक सीमित रह गई है। इस हैंडपंप से कितने परिवार का खर्चा चलता है पानी? पूरे परिवार का खर्चा चलता है। कितने घर हैं यहाँ पे? 50-60 तो बता रहे हैं हम। 50-60 घर हैं यहाँ पे? 50-60 तो और कोई जरिया नहीं है पानी का? नहीं। पानी का ये संकट झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र में एक अहम चुनावी मुद्दा बन गया है। अब सबको इंतजार चुनाव के बाद गठित होने वाली नई सरकार का है। क्या इस बार बुंदेलखंड का भविष्य बदलेगा? झांसी जिले से मेरे सहयोगी विनोद गौतम और कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।